देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। धारा 370 के मसले पर कांग्रेस दो फाड़, अब कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने किया सरकार का समर्थन। बौखलाया आतंक समर्थक पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस रद्द की, भारतीय फिल्मों पर लगाया प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा, कश्मीर हमारा है, गुलाम नबी आजाद अपने ही बयान में फंसे। कांग्रेस राज में कांग्रेस मुख्यालय में बत्ती गुल, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, बारिश से परेशान नजर आए लोग, कई इलाकों में पानी भरा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर, कश्मीर राजघराने से जुड़े कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने धारा 370 के मसले पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। कर्ण सिंह ने कहा कि सरकार के हर फैसले का अंधा विरोध नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर सरकार के इस निर्णय के लिए कई सकारात्मक पहलू भी हैं। कर्ण सिंह ने बयान के बाद साफ कहा है कि कश्मीर के मसले पर कांग्रेस दो फाड़ होती जा रही है और मात्र कुछ नेताओं के कारण आम जनता में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार द्वारा कश्मीर मामले को लेकर लिए गए निर्णय पर कांग्रेस का रुख भले ही विरोध का हो, लेकिन कांग्रेस की सोच से पार्टी के कई आला नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस सूची में अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कर्ण सिंह का नाम भी जुड़ गया है। कर्ण सिंह ने कहा कि सरकार के हर फैसले का अंधा विरोध नहीं करना चाहिए। कश्मीर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कर्ण सिंह ने सरकार के लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी तारीफ की है। उन्होंने आर्टिकल 35A भविष्य के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन को सही बताया है। हालांकि कर्ण सिंह ने आर्टिकल 370 को लेकर सीधे कुछ नहीं कहा, बोला भी नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को छोड़ने और उनके साथ राजनीतिक वार्तालाप किए जाने की वकालत भी की। जम्मू कश्मीर से धारा 35A खत्म होने के दो दिन बाद कर्ण सिंह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने लद्दाख और 35A के निर्णय को लेकर सरकार का समर्थन किया है। मोदी सरकार का विरोध करने वाले कई राजनीतिक दल भी इस बिल पर सरकार के समर्थन में आए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्ण सिंह के रिश्तेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरकार की लाइन से अलग हटकर मोदी सरकार के निर्णय का समर्थन कर चुके हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से आतंकवादियों के समर्थक देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। बौखलाए पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर भारतीय फिल्मों को भी पाकिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की इन हरकतों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद से एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़ गई है। इसी कड़ी में आज आने वाली समझौता एक्सप्रेस के लिए पाकिस्तान द्वारा ड्राइवर और गार्ड नहीं दिया गया था। इसके चलते भारतीय यात्री फंस गए थे। पाकिस्तान ने हमेशा के लिए समझौता एक्सप्रेस को कैंसिल करने की बात कही है। इस बीच ट्रेन में फंसे यात्रियों को भारत लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए क्रू के साथ इंजन को भेजा था। इसके जरिए ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाघा से अटारी लाया गया। पाकिस्तान जहां इस मामले को यूएन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस बीच उसने भारत से राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान सीमा पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय विसारिया को वापस भारत भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद अब अजय विसारिया इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो चुके हैं। वो बाघा अटारी बॉर्डर से भारत पहुंचे। गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस पर रोक लगाने के साथ ही पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। भारत ने आगे कहा, अनुच्छेद 370 से संबंधित फैसला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा है
कि आतंकवाद के बहाने ढूंढने के लिए पाकिस्तान ये सब काम करता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए हुए आतंकवाद के समर्थक, पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंधों में कमी कर दी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि आतंकवाद के बहाने ढूंढने के लिए पाकिस्तान ये सब करता है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमने रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का फैसला किया है। भारत सरकार और संसद के हालिया फैसले जम्मू और कश्मीर के विकास के अवसरों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जिन्हें पहले वंचित किया गया था। बयान में कहा गया है कि अगर जम्मू और कश्मीर में विकास को लेकर कोई कदम उठाए जाए और पाकिस्तान में ये नकारात्मक रूप में जाए तो इसमें कोई हैरान नहीं होना चाहिए। वो सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराने के लिए ऐसे कदम उठाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 370 से संबंधित हालिया घटनाक्रम पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत का संविधान हमेशा संप्रभुता का मामला था, है और रहेगा। इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की निंदा की है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने शोपिया की सड़क पर एनएसए अजीत डोभाल के खाना खाने के वीडियो पर कहा कि पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। इसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस का यह मानना है कि कश्मीर के लोग बिकाऊ हैं। आजाद के बयान के बाद कांग्रेस और विवादों में घिर गई है। 370 के मामले पर कांग्रेस दो खेमों में बट गई है। कांग्रेस के युवा नेता मोदी सरकार के कश्मीर पर लिए गए फैसले से खुश हैं और वो चाहते हैं कि पुराने नेता इस मसले पर जन भावनाओं को समझें, लेकिन पुराने नेता अपने पर अड़े हुए हैं। सीनियर कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के वीडियो पर निशाना साधा और कहा कि पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। अजीत डोभाल बुधवार को कश्मीर के शोपिया में पहुंचे थे। वायरल वीडियो में डोभाल आम लोगों से मिलते दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर उन्होंने लोगों के साथ खाना भी खाया था। इस पर अब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर हमला किया। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य पुनर्गठन विधेयक का कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया है। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को कश्मीर के शोपिया में पहुंचे थे। वहां उन्होंने ताजा हालात का जायजा लिया। उन्होंने जनता और पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात की। इस वीडियो पर गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस ये मानती है कि कश्मीर के लोग बिकाऊ हैं? पैसे देकर पत्थर फेंकवाने वाले लोग अगर ये कहें कि पैसे देकर अच्छी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गुलाम नबी जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में कश्मीर की जनता भी इस निर्णय के साथ खड़े होने वाली है, क्योंकि इस निर्णय के बाद वहां के लोगों को वास्तविक लोकतंत्र का एहसास होगा, विकास को वो महसूस कर सकेंगे, देश के साथ अपने जुड़ाव को वो महसूस कर सकेंगे। और इसलिए ये अनर्गल बातें हैं, क्योंकि इन सबकी राजनीतिक दुकानें वहाँ बंद हो रही हैं, ये जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सहका करते थे वो बंद हो रहे हैं, और जो इनके निहित स्वार्थ हुआ करते थे उनके सारे मार्ग बंद होने जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी, एक खबर आपके लिए ही है। आपके कांग्रेस कार्यालय में ही आपकी बिजली झटके दे रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था तभी बिजली चली गई और सभी कांग्रेसी सकते में आ गए। आपके विभाग की अघोषित कटौती के कारण पार्टी का कार्यक्रम कुछ समय तक अंधेरे में ही हुआ। इस समय पूरा मध्य प्रदेश बिजली की अघोषित कटौती से परेशान है। मंत्री प्रियव्रत सिंह जी, अघोषित बिजली कटौती का शिकार अब कांग्रेसी भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भले ही बिजली को लेकर बड़े बड़े दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उपभोक्ता प्रकोष्ठ का आयोजन चल रहा था। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ सरकार की विधि और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी यहां मौजूद थे। इसी बीच कार्यक्रम में बिजली धोखा दे गई और कार्यक्रम में अंधेरा छा गया। आपके बिजली विभाग की मेहरबानी से कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम अंधेरे में ही चला। जब बिजली आई तब नेताओं ने चैन की सांस ली।
जब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कार्यालय में बिजली चली जाए तो यह समझा जा सकता है कि बाकी प्रदेश के क्या हाल होंगे। यकीनन आप कुछ बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता है। अब आपके और आपकी सरकार के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपको भी 7 महीने हो गए हैं और व्यवस्था सुधरने के लिए यह समय पर्याप्त होता है। प्रियव्रत सिंह जी, ऐसा कुछ कीजिए कि आम लोग कांग्रेस आई और बिजली गई की कहावत को भूल जाएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश का दौर चल रहा है, इस कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई निचली बस्तियों में जलभराव के कारण जनजीवन थोड़ा मुश्किल में आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दोनों ही प्रदेशों में अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। एमपी के बुरहानपुर जिले में भी रात भर से बारिश जारी है। बारिश के चलते ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। ताप्ती खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते हाल ही में बुरहानपुर से जैनाबाद के बीच बनाया गया नया पुल डूब गया है। पुल के ऊपर से ताप्ती नदी का पानी बह रहा है, इसके चलते पुल से यातायात बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है और स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। जिले में रात भर में करीब 2 इंच बारिश हुई है। राजघाट डैम पर पुलिस ने लोगों की एंट्री बंद कर दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते बाहर शहर की सड़कों पर भी भारी पानी भर गया है। बैतूल में भी बारिश के चलते ताप्ती नदी पूरे उफान पर है। 3 साल बाद ऐसा हुआ है जब ताप्ती नदी ओवरफ्लो होकर शहर में घुस आई और नदी किनारे बने ताप्ती मंदिर का जलाभिषेक हो गया। इस नजारे को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोग खुशी से नाचने लगे। सरोवर के ओवरफ्लो की खबर मिलते ही आधी रात को ताप्ती तट पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। रात से ही लोगों ने भीगते थिरकते हुए ओवरफ्लो का जश्न मनाना चालू कर दिया। विगत 2 वर्षों से नगर सहित पूरे क्षेत्र में अल्प वर्षा के कारण प्रतिवर्ष भरकर ओवरफ्लो होने वाला सरोवर खाली पड़ा रहा, जिससे लोगों में मायूसी थी। सिंगरौली में जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर एसआर पावर प्लांट द्वारा राखर निस्तारण के लिए एक एच डैम का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें बुधवार की रात अचानक डैम टूट जाने की वजह से 3 गांवों में राखर युक्त पानी भर गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। करसुआ लाल खैराही, इन गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ग्रामीणों और बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एचडीएम टूटने की घटना एसआर पावर प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। एचडीएम टूटने से गांव में राखड़ युक्त पानी भर जाने से खेत में लगे फसल बर्बाद हो गई है और कुछ कच्चे मकान ढह गए हैं। बड़वानी नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट हो गया है। गुरुवार सुबह से प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राजघाट पहुंच चुकी है और बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाई हुई है। अपर कलेक्टर रेखा राठौड़ ने बताया कि राजघाट से लोगों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। वहीं नदी किनारे के जितने भी गांव हैं जहां खतरे की आशंका दिख रही है, वहां भी अफसर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। इसके अलावा खरगोन में भी भारी बारिश का असर नजर आने लगा है। बारिश के चलते वेदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। धार जिले के अमझेरा में तेज बारिश से पुलिया में बस फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। अलीराजपुर में भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा गिर गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस पलट गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जबलपुर में लगातार 3 घंटे बारिश के कारण नाले नालियां उफान पर आ गए और शहर की कई कॉलोनियों के मकान जलमग्न हो गए। सबसे ज्यादा खराब स्थिति गढ़ा और चेरीताल के निचले क्षेत्रों की रही, जहां लोगों के घरों में 2-2 फीट पानी भर गया। शहर के आसमान पर मंडरा रहे बादल शाम को जैसे ही बरसना शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। मौसम विभाग ने इस दौरान 2 इंच बारिश का आंकड़ा दर्ज किया। बारिश के कारण शहर की कई सड़क जलमग्न हो गई थी, इस वजह से लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। परिवर्तित मार्ग के कारण दूसरे रास्तों में यातायात का दबाव बढ़ा और उसमें जाम की स्थिति बन गई।
इस समय छत्तीसगढ़ भी बारिश के आगोश में है। बिलासपुर शहर में बीती रात से ही हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। शहर की गली मोहल्ले, घरों और कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस सीजन की यह सबसे तेज बारिश में चारों ओर पानी भर गया है। बारिश ने आखिरकार बीती रात बिलासपुर का रुख किया और देर रात जमकर बारिश शुरू हुई। बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, वहीं शहरी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। निचले इलाकों और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। मंगला के जेपी बिहार, बांधव पारा और शक्ति बिहार, शिवम होम्स, सरकंडा, दयाल बंद, तालापारा, विद्यानगर, विनोवा नगर, पत्रकार कॉलोनी समेत कई मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से कई पेड़ गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हैं, तो कई इलाकों में देर रात से बिजली गुल है। सालों बाद ऐसी तेज बारिश ने पूरे बिलासपुर को पानी पानी कर दिया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुषमा स्वराज उनकी बड़ी बहन जैसी थी। सुषमा एक कुशल राजनेता के साथ प्रखर वक्ता और संवेदनशील इंसान थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। उमा भारती ने कहा कि सुषमा स्वराज एक बेहतरीन राजनेता होने के साथ साथ बहुत सहज स्वभाव की थी। सुषमा उनकी बड़ी बहन जैसी थी। सुषमा एक अच्छी माँ भी थी। उमा भारती ने कहा कि सुषमा स्वराज अद्भुत नेता और आदर्श देशभक्त थी। सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। मुझे मेरे परिवार में जो महिला रहती है, उन्होंने रात के 11:30 बजे जगा के दी और उसी के कारण मैं थोड़ा व्यग्र हो गई, अस्वस्थ भी हुई थोड़ी सी। मैं उनकी इसलिए अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, तो मैं अभी नर्मदा स्नान के लिए जा रही हूँ। नर्मदा भी मेरी बड़ी बहन है, शायद वो मेरी व्यग्रता को कम करेंगी। मैं सुषमा जी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि उनके बारे में अखबारों में छपा है कि वो इस मामले में पहली थी, उस मामले में पहली थी। मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो एक विशिष्ट मामले में पहली महिला थी, कि वो एक आदर्श गृहिणी थी और सफल राजनेता थी। नियमों और संविधान की एक ऐसी ज्ञाता जिन्होंने स्वयं कभी उनका उल्लंघन नहीं किया। मुझे याद है आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा में अलग अलग समय पर अलग अलग लोकसभा अध्यक्ष भी उनसे परामर्श किया करते थे नियमों के बारे में। मध्य प्रदेश के हम सभी कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 2 बार यहाँ विदिशा से वो सांसद रही हैं।
और इसलिए मध्य प्रदेश की पीड़ा कुछ ज़्यादा ही है, और इसीलिए हमने तय किया था कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में उनको श्रद्धांजलि दे, ऐसा पार्टी ने निश्चित किया। भोपाल कार्यालय में भी आज हम सभी ने मिलकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। राकेश सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज दो बार विदिशा से सांसद रही। सुषमा प्रखर वक्ता तो थी ही, साथ ही साथ सौम्य नेता थी। राकेश सिंह ने सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन का जिक्र किया और कहा कि सुषमा स्वराज की स्मरण शक्ति काबिले तारीफ थी। रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए भू अधिग्रहण में बड़ा घोटाला सामने आया है। अफसर कर्मियों और हितग्राहियों की साठगांठ से इस पूरी जालसाजी में सरकार को 150 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया है। इस घोटाले में दो हितग्राहियों समेत 6 अफसर और 2 कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जालसाजी में पूर्व IAS समेत बस्तर के कांग्रेसी नेता की पत्नी भी शामिल है, जो खुद जिला पंचायत सदस्य है। जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच के बाद 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस अब इन सभी की गिरफ्तारी करने की तैयारी कर रही है। बस्तर के जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान फर्जीवाड़ा कर कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले 6 अफसरों सहित 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही 95 करोड़ का मुआवजा लेने वाली नागवंशी और कांग्रेसी नेता TV रवि की पत्नी नीलिमा TV रवि को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। TV रवि बस्तर में विधानसभा चुनाव के दौरान जगदलपुर सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे। नीलिमा TV रवि भी कांग्रेस की नेता है और जिला पंचायत सदस्य भी है। कलेक्टर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर पुलिस ने सोमवार को सुबह तड़के 3 बजे 10 लोगों पर अपराध दर्ज किया। बस्तर में पहली बार किसी IAS पर FIR दर्ज की गई है। CSP हेम सागर सिदार ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर विशिष्ट लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए मिली भगत कर सरकारी धन को हानि पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इन पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, कूट रचना के आरोप में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पूर्व में जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है थाना कोतवाली जगदलपुर में बली नागवंशी, नीलिमा बेलसरिया और अन्य 9 के विरुद्ध में जो है अपराध कायम किया गया है। जगदलपुर और बस्तर के ब्लॉक के कुल 530 खातेदारों की 140.233 हेक्टेयर भूमि के लिए 179.82 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। जगदलपुर ब्लॉक के 28.102 हेक्टेयर के लिए 152.58 करोड़ का मुआवजा दिया गया, जो कुल मुआवजे का 85% है, जबकि बस्तर ब्लॉक के 422 लोगों की जगदलपुर की तुलना में 4 गुना ज्यादा जमीन गई और मुआवजा 15% यानी 27.24 करोड़। जगदलपुर ब्लॉक के कंगोली, अघनपुर, घाट, पदमूर और पल्ली के 108 खाता धारकों की जमीन रेल लाइन और स्टेशन के लिए ली गई थी। नगर निगम क्षेत्र में शामिल कंगोली में सबसे ज्यादा 46.66 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी। उसकी वजह से मात्र 36.52 करोड़ का मुआवजा दिया गया, जबकि पल्ली में सिर्फ 7 खातेधारों की 4.184 हेक्टेयर भूमि लेकर 99.07 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसमें भी सिर्फ 2 लोगों को ही 95.82 करोड़ रुपए बांट दिए गए। अन्य 5 लोगों को 3.25 करोड़ रुपए और शेष 3 गांव के 101 लोगों को 53.51 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने SDM, SLR और दरभा के तहसीलदार की 3 सदस्यीय समिति से जांच करवाई थी, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट कमिश्नर सहित सामान्य प्रशासन और पुलिस को भेजी गई। इस मामले में तत्कालीन अपर कलेक्टर हीरालाल नायक, तत्कालीन SDM सियाराम कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार व ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर रहे दीनदयाल मंडावी, तत्कालीन राजस्व निरीक्षण अर्जुन श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक कौशल ठाकुर और पटवारी धर्म नारायण साहू और सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक सुरेश बी मताली और
AVR मूर्ति शामिल हैं। इस घोटाले में गांव की जमीन को शहरी बताया गया है। चित्रकोट मुख्य सड़क के एक ओर पल्ली की जमीन को शहरी बताकर मुआवजे की गणना की गई, जबकि सड़क के दूसरी ओर घाट पदपुर के इलाके को ग्रामीण माना गया। ग्रामीण इलाके की जमीन को शहरी और निगम इलाके का बताकर मुआवजे की गणना की गई। इसमें सिर्फ दो भूमि स्वामियों को ही लाभ पहुँचाया गया। 1 जनवरी 2020 में जिनका 18 पूर्ण हो रहा है वो चित्रकूट में मतदाता होंगे। आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट नहीं है। बांधवगढ़ की सबसे उम्रदराज बाघिन का खिताब हासिल करने वाली बाघिन T23 की मौत हो गई है। पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश में 4 बाघ मारे गए हैं। बांधवगढ़ की सबसे उम्रदराज बाघिन का खिताब हासिल करने वाली बाघिन T23 की मौत हो गई। प्रबंधन के मुताबिक रूटीन चेकअप के बाद वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर नितिन गुप्ता एवं स्टाफ अपने अन्य कार्यों में व्यस्त थे। उसी दौरान बाघिन की मौत हुई। देर रात बाघिन की अवस्था में कोई परिवर्तन ना होता देख कर्मचारियों ने बाघिन के मौत की खबर प्रबंधन को दी। प्रबंधन के रिकॉर्ड के मुताबिक बाघिन T23 का जन्म वर्ष 2002 में हुआ था और बांधवगढ़ में पर्यटकों के बीच यह काफी प्रसिद्ध बाघिन थी। 3 बार के प्रजनन में इसने पार्क में 9 बाघ दिए हैं और आज बांधवगढ़ में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। बाघिन को मार्च महीने में टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने धम्मोखर रेंज के दुब्बार वीट से रेस्क्यू कर घायल अवस्था में बठान एनक्लोजर में रखा था, जहां वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर नितिन गुप्ता की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में अब तक 4 बाघ मारे जा चुके हैं। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में दिन पर दिन पर्यटक घट रहे हैं, जिससे व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों ने खजुराहो जैसे पर्यटक स्थल की अनदेखी के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और खजुराहो बंद का आह्वान किया, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस बंद में गाइड भी शामिल हुए, जिसकी वजह से पर्यटकों को बिना गाइड के ही घूमना पड़ा। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में घटते पर्यटन उद्योग के खिलाफ खजुराहो बंद का आह्वान किया गया। इस बंद में खजुराहो टूरिस्ट ट्रेड से जुड़े ट्रेवल एजेंट, होटल, टैक्सी यूनियन, टूरिस्ट गाइड, शोरूम एवं समस्त दुकानदार इस बंद में शामिल हुए। सुबह से स्थानीय दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और टेंट लगाकर धरना दिया। इनकी मांग है कि लगातार पर्यटन उद्योग घट रहा है, लेकिन न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है, जिसने व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बंद के कारण पर्यटक बिना गाइड के मंदिरों में घूमते फिर रहे थे। पर्यटक किसी भी तरह की खरीदारी भी नहीं कर पा रहे थे। इस बंद में शामिल लोगों का कहना है कि उनका यह बंद अनिश्चितकालीन है। जब तक एयर कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक खजुराहो का पर्यटन नहीं बढ़ सकता। बंद में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बंद ये एक जनता की ही आवाज़ है, चूँकि पिछले विगत 20 सालों से, एक दो सालों से नहीं, पिछले 20 सालों से खजुराहो के साथ पार्शियलिटी हुई है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी कभी मांगे सुनी ही नहीं गई। और ये एक यूनेस्को साइट है, दुनिया में इसका नाम है, उसके बावजूद भी इसको वेल कनेक्टेड ना होना ये हमारे लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, रेल यातायात हो, हवाई मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, न केवल अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक टूरिज्म भी हमारे यहाँ पर बढ़े। पूर्णतः खजुराहो बंद है और हमारी मांगे ये हैं कि खजुराहो के ऊपर इतने दिनों से कोई भी कनेक्टिविटी या कोई भी रेल मार्ग बढ़ाने के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। तो आज हमारी मांगे ये हैं कि खजुराहो में जब तक हमें एयर कनेक्टिविटी, एविएशन या पर्यटन मंत्रालय या रेल मंत्रालय से अगर हमें कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तो खजुराहो ऐसे ही बंद रहेगा। आज जो बंद का आह्वान किया गया है, उसमें मैं, मेरे थाना प्रभारी, स्टाफ व्यवस्था में लगे हैं। शांतिपूर्वक बंद अभी तक चल रहा है और जो भी असुविधाएं हैं पर्यटन से संबंधित, उसका सहयोग नगरवासियों ने भी किया है, पूरी तरह से बंद है। कानून व्यवस्था के लिए बल लगा है, उनके संपर्क में है, कहीं कोई बात होगी तो कार्रवाई की। दिव्य जीवन संस्था व फ्रीडम ट्रस्ट ने दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग, साइकिल व व्हीलचेयर वितरित किया, जिसमें संत हिरदाराम जी के आशीर्वाद से दिव्य जीवन फ्रीडम ट्रस्ट एवं संत हिरदाराम जी के शिष्यों द्वारा मां ईश्वरी धर्मशाला में एक कार्यक्रम हुआ। दुर्घटना में कटे हाथ पैर, पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित 180 व्यक्तियों को आवश्यक चीजें वितरित की गई।
संत हिरदाराम नगर में 180 दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग, साइकिल, बैसाखी, सीपी चेयर, व्हील चेयर, मोल्डेड शूज आदि वितरण का आयोजन किया गया। दिव्य जीवन संस्था के संस्थापक डॉक्टर संस्कार सोनी व दिव्या भरथरे ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, खंडवा जिले में जून महीने में परीक्षण शिविर का आयोजन किया था। इन सभी दिव्यांग लोगों को जिनके दुर्घटना में कटे हाथ पैर, पोलियो, सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित 180 व्यक्तियों को आवश्यक चीजें वितरित की गई। दिव्य जीवन व फ्रीडम ट्रस्ट द्वारा 180 में से 74 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, 36 को व्हील चेयर, 22 को बैसाखी, 32 को ट्राई साइकिल, 9 को सीपी चेयर व 7 को वॉकर वितरित किया गया। इन सभी चीजों का स्पॉन्सर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 24 जून को यहाँ पर एक परीक्षण केंद्र लगा था दिव्यांगजनों का, जिसमें मोबिलिटी अप्लाइंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने उनका नाप लिया था। जिसे व्हील चेयर की ज़रूरत थी, ट्राई साइकिल की ज़रूरत थी, ऐसे 200 से लोग अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित थे 24 जून को। आज 7 अगस्त को उसी कैंप का डिस्ट्रीब्यूशन शिविर लगाया गया है, जिसमें व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, कैलिपर, मॉडिफाइड शूज जैसे कई और अप्लाइंसेज दिव्यांगजनों को दिए जा रहे हैं, जो उनकी जीवन शैली में उनके उपयोगी हैं। कार्यक्रम में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी भोपाल के चीफ रीजनल मैनेजर संजय कुमार खरे, रीजनल मैनेजर लिपिका कालरा, प्रीति बंसल, संजीव कुमार, ट्रस्टी हरिहरन, फ्रीडम ट्रस्ट के डॉक्टर सुंदर सुब्रमण्यम, दिव्य जीवन के संस्थापक डॉक्टर संस्कार सोनी, डॉक्टर दिव्या भरथरे, संत हिरदाराम जी के शिष्य चंदर चांदवानी व संस्था के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि सिंह जाट ने किया। मिलावट खोरों पर कार्रवाई के मामले में भी छतरपुर में भेदभाव किया जा रहा है। खाद्य विभाग सिर्फ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहा है और बड़ों को छोड़ रहा है। खाद्य विभाग ने अब तक एक भी बड़े व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। विभाग का कहना है कि प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई भोपाल से सैंपल रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। कमलनाथ सरकार के निर्देश के बाद अब छतरपुर में भी फूड विभाग एक्शन में आ गया है। नगर की आधा दर्जन मावा दुकानों और एक मिठाई की दुकान पर छापा मार कार्रवाई करते हुए विभाग ने सैंपल लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फूड विभाग द्वारा मिठाई और मावा का बड़ा काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। फूड विभाग का कहना है कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मावा के सैंपल लिए जा रहे हैं और भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे द्वारा यहाँ पर एक बस स्टैंड में मिठाई की दुकान पर भी कार्रवाई की जा रही है, जहाँ से मावा से बनी एक मिठाई को भी जांच के लिए लिया गया है और दुकान में स्वच्छता ठीक ठाक पाई गई है और दुकान में लाइसेंस चस्पा करने के निर्देश दुकानदार को दिए गए हैं। जो भी सैंपल लिए गए हैं इनको जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा और वहाँ से जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल में आज बात करेंगे पुलिस की। जीआरपी पुलिस ट्रेन में आम लोगों के साथ बुरा बर्ताव तो करती ही है, जब मौका मिलता है उनके साथ मारपीट भी करती है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला महिला यात्री को टांग अड़ाकर गिराता नजर आ रहा है। जीआरपी पुलिस कर्मियों का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। ये वीडियो हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन की बोगी का है। सीट पर बैठने के विवाद में कुछ महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ यात्रियों से अभद्रता की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। बोगी में हंगामे के बाद बाहर से एक यात्री ने इसका वीडियो बना लिया तो उसमें भी एक पुलिस वाला महिला यात्री को पैर मारता नजर आ रहा है। पुलिस वाले ने वीडियो बनाने से भी रोकने की कोशिश की। इस तरह की घटनाएं आम है लेकिन पुलिस वालों का घटियापन कभी कभी कैमरे में कैद हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक
चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University has most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।